वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपको समर्स पे बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, जो कि है सनस्क्रीन। अगर आप समर्स में सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपका जो स्किन है काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है ड्यू टू सन रेज। सो अगर आप बाहर जाते हो तो आपको सनस्क्रीन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट गाइज घर पे भी आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि घर के अंदर भी थोड़े बहुत यूवी रेज होते हैं और आ जाते हैं। सो इसकी वजह से आपको अपने स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करनी चाहिए। और अगर आप अपने स्किन केयर पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए, ये सभी स्किन टाइप वालों को करनी चाहिए। और मैं यहाँ पर सिर्फ समर्स की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी वेदर हो तो आपको सनस्क्रीन को बिल्कुल स्किप नहीं करनी चाहिए। कोई भी स्किन केयर आप कर रहे हो तो उसमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल बिल्कुल करें क्योंकि ये हमारे स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है यूवी रे से। सो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन जो कि बेस्ट वर्क करेगा, एंड मैंने इसको अभी फिलहाल इस्तेमाल किया है। सो मैं आपको डेमो भी दिखाने वाली हूँ। और अगर आप एक बेस्ट सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो और अंडर बजट हो सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ए टू जेड देखो, डेमो भी दिखाने वाली हूँ, रिव्यू भी देने वाली हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना एंड उसके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि मैं जो भी वीडियो चालू सबसे पहले आप तक पहुंचेगा एंड सबसे पहले आप नोटिफाइड हो। चलिए वीडियो को। ओके गाइस, तो ये है वो सनस्क्रीन जो कि है सन केज 100% फिजिकल सनस्क्रीन विद नेचुरल जिंक ऑक्साइड शील्ड। सो नेचुरल जिंक ऑक्साइड शील्ड ये आपके स्किन को क्या करता है, सन डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा, एंड ऑल्सो अगर आपको एक्सेसिव ऑयल होती है तो उसको भी हद तक ये रिड्यूस करता है, ठीक है। सो ये है सनकेज 100% फिजिकल सनस्क्रीन विद SPF 50। और मैं आपको बता दूं, आपको कुछ इस तरीके का पैकेजिंग में ये जो है मिलेगा। इसमें जो इसका जो प्राइस है वो है 490 रुपीज, बट गाइस आपको बहुत सस्ते में डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। सो आपको अंडर बजट में ही मिल जाएगा, उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सस्ते में ही मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जो इसका क्वांटिटी है आपको 50 ml क्वांटिटी मिल रहा है जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। मैं आपको इनर पैकेजिंग भी दिखा देती हूँ। सो आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा और इनर भी दिखा देती हूँ, ठीक है। सो ये ट्यूब में आता है, ट्यूब पैकेजिंग में आता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे भी सारे कुछ डिटेल वगैरह मेंशन है, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ अब कि ये क्यों सबसे अलग है और क्यों ये यू नो बेस्ट होने वाला है, सो ये जो सनस्क्रीन है इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं डाला गया है, एंड ये पैराबेन फ्री भी है, फ्रेग्रेंस फ्री है एंड पैराबेन फ्री है, एंड ऑल्सो ये 100% वेजिटेरियन है और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है जो कि बिल्कुल सेफेस्ट साइड में हो जाता है, ठीक है। सो इसका आप बेनिफिट्स क्या है, वैसे तो आपको पता होगा सनस्क्रीन यूज करने से क्या होता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है, बट ये कुछ और भी करता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको बता दूं इसका बेनिफिट्स क्या है, तो ये आपको UVA एंड UVP सन रेज से प्रोटेक्ट करता है, और जिसके वजह से आपको जो है अगर सन डैमेज होती है या फिर सन से जो ना बर्निंग हो जाती है सो उसको ये जो है क्या करता है, प्रोटेक्ट करेगा, आपको वो प्रॉब्लम जो है आने नहीं देगा, ठीक है, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो, ठीक है। इसमें विथ SPF 50 है जो कि आपको सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। आप अगर बाहर जा रहे हो, थोड़े से ज्यादा धूप में जा रहे हो तो आप उस टाइम पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा ये एक प्रोटेक्शन देता है। सो सेकंड थिंग, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों ये सनस्क्रीन जो है वो बेस्ट है अदर सनस्क्रीन से, ठीक है। सो अगर आप कोई भी फोन यूज करते हो या फिर कोई भी डिवाइस यूज करते हो जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज करते हो तो उसमें से एक इंफ्रारेड रेडियंस निकलता है और जिसके वजह से वो आपके स्किन को डैमेज कर सकता है, तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है जो कि दूसरे सनस्क्रीन में आपको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जो कि इस सनस्क्रीन में आपको मिल रहा है। आपको वो रेडियंस से, इंफ्रारेड रेडियंस एक होता है और जिसकी वजह से वो जो है आपके स्किन को डैमेज करता है, वो जो रेडियंस होता है सो उससे ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। सो ऑल ओवर ये एक फिजिकल सनस्क्रीन है जो कि फिजिकली सन को ब्लॉक करता है और आपके स्किन पे ये टॉप ऑफ द स्किन पे ये बैठ जाता है अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो, और आपको जो है सन रेज से डैमेज नहीं होने देगा, बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन देता है विथ SPF 50। सो ये बहुत सही है, मतलब अदर सनस्क्रीन से ये जो है ये बेस्ट इसलिए है।
क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें और भी मिल रही है। सो अब मैं आपको बता दूं ये सनस्क्रीन को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो गाइस एक टेक्निक है सनस्क्रीन को इस्तेमाल करने का जो कि आपको भी करनी चाहिए और इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। मैंने कैसे यूज किया, सो आपको इसको जेनरस अमाउंट ऑफ लेना है, जितना आपको नीड है उतना लेना है और आप इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना वैसे ही आपको लेना है। आपको तीनों फिंगर पे हल्का हल्का सा ले लेनी है, उसके बाद आपको एक हैंड से दूसरे हैंड में ट्रांसफर करना है जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको अपने फेस पे इस तरीके से अप्लाई करना है, फोरहेड पे अप्लाई करना है और बहुत अच्छे से आपको अप्लाई करना है। सबसे बेस्ट पार्ट इस सनस्क्रीन की ये लगी, सबसे बेस्ट थिंग कि ये जो है इसमें कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं आता है। गाइस आपको लग रहा होगा कि व्हाइट कास्ट आपको दिख रहा होगा वीडियोस में, क्योंकि कैमरा का जो क्वालिटी होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, रियल में कुछ अलग होता है। तो गाइज जब मैंने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड किया, आप देखना जब ब्लेंड मैंने अच्छे से किया तो ये बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। अदर सनस्क्रीन में आपको बिल्कुल दिख जाएगा कि आपको व्हाइट कास्ट छोड़ रहा है, बट इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद स्किन जो है काफी ज्यादा ग्लोइंग भी लग रहा होगा, आप देख सकते होंगे वीडियो में पहले और अभी जब लगाने के बाद स्किन जो है काफी ज्यादा हाइड्रेटेड भी लग रहा था। सो इसको मैंने इस वीडियो में इस्तेमाल किया है, इस वीडियो में मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, जस्ट ये सनस्क्रीन इस्तेमाल किया और हल्का सा मैंने लिपस्टिक यूज किया एंड दैट्स इट। सो आप देख सकते हो फेस कितना ज्यादा क्लियर लग रहा था और बहुत ज्यादा ग्लोइंग भी लग रहा था, ठीक है। सो ये जो सनस्क्रीन ये बेस्ट है एंड मैं 2-3 दिन से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे से आपके स्किन को प्रोटेक्ट कर। सो इसको लगाने के बाद अगर आप जो है मॉइस्चराइजर को स्किप करना चाहते हो या फिर सीरम को स्किप करना चाहते हो, नहीं यूज करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी आपके स्किन को ग्लोई एंड हाइड्रेटेड बना के रख रहा है, ठीक है। तो आपको दूसरे प्रोडक्ट भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो, ठीक है। मैं आपको बता दूं घर पे भी इसका इस्तेमाल करना है और बाहर जा रहे हो तो आपको बिल्कुल करना है। आप इसको बॉडी पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, इवन नेक एरिया फेस पे बहुत अच्छे से लगा करके बहार जाओ और अपने स्किन को प्रोटेक्ट करो यूवी रे से, क्योंकि समर्स में काफी ज्यादा हॉट वेदर होता है और जिसके वजह से आपको जरूरी होता है एक बेस्ट सनस्क्रीन यूज करना। और मैं आपको बोलूंगी कि आप कुछ चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट जो है सनस्क्रीन में आपको बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है, अपने स्किन केयर में। सो सभी जाकर के बाय करो, नीचे मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेकआउट करो और जल्दी जाके ले लो और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अच्छा खासा, तो वो भी चेकआउट कर लेना। ये बेस्ट लगा मुझे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज और भी आपको मिल रही है जो कि अदर सनस्क्रीन में आपको नहीं मिलती है विद SPF 50, ठीक है। सो मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूंगी, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। सो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ऑलरेडी चेकआउट कर लेना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो आपको क्या करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करना एंड उसके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस जरूर करना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे गाइस एंड सबसे पहले आप नोटिफाइड हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाय।